अस्सलामुअलैकुम, जहांजेब अली पासवान मार्शल आर्ट एकेडमी मुल्तान पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो आज निंजा ग्रीन बेल्ट सिलेबस में एपिसोड 5 लेकर हाजिर हुआ हूं। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं डॉज हील किक। अब ये डॉज हील किक किस तरह से की जाती है इसके मैं आपको दो एंगल्स बताऊंगा। फर्स्ट उसमें डॉज करके हिट करके दिखाऊंगा, सेकंड उसमें मैं नीचे भी किक मारूंगा उसके बाद ऊपर हील हेड पे मारूंगा। तो देखें आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। बट आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आसानी आप तक आ सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस किक को किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अभी मैं आपको स्लो में दिखाता हूं ताकि आप इजीली समझ सके। वन पे आप टर्निंग लेंगे, घूम जाएंगे। ये देखें, आपको एड़ी पे घूमना है, एड़ी पे, पंजे पे नहीं, एड़ी पे घूमना है। वन, ये देखें, याद रखिएगा, वन ये घूमे, टू ये। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी किक बनेगी। अगर आपको इसके लिए कोई सहारा चाहिए तो आप कोई सपोर्ट करके भी किक को कर सकते हैं। अगर आप इसको स्पीड में करते हैं, ये घूमे, ये, तो ये किक है डॉज की। जाहिर सी बात है आप बिगिनर्स हैं, आप इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके लिए सीखने का आसान तरीका क्या है, पहले आप स्टैंस लें, वन पे घूमे, किक को पीछे रख दें वापिस, टू पे घूमे, वापिस रखें। इस तरह आपने दो तीन मरतबा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा भी कर सकते हैं दोनों साइड की। उसके बाद आप क्या करेंगे, वन टू घूमने के बाद एडी पे घूमना है, घूमते जाएं, यहां पे ये किक अप्लाई कर दें और एडी लग रही है, नॉकआउट किक है। वन टू पीछे, ये थ्री। ये बहुत आसान तरीका है, इस तरह आप बहुत आसानी से इस किक को परफॉर्म कर सकते हैं, फिर आपका बैलेंस भी बिल्कुल बेहतरीन बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी होती है तो आप किसी चीज का सहारा ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई सपोर्ट के लिए चीज नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, या किसी तरह का आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो आप वॉल के जरिए भी कर सकते हैं। आए मैं आपको दिखाऊं किस तरह से। ये आप वॉल के पास खड़े, आपने स्टैंड लिया, अगर आगे आपके पास अपोनेंट नहीं है, कोचर नहीं है, तो भी आप कर सकते हैं। अपने हेड का टारगेट, अपने फेस का टारगेट रख के आप इस किक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन आपने घूमना है और इस पर ये देखें, वन हाथ का रखना है, घूम जाना है, उसके बाद घूमने के बाद टू पे यहां रख के ये खड़े हो जाएं, आपका बैलेंस बहुत जबरदस्त बन जाएगा। ये देखें, वन ये टू, इजी, वन ये टू। अब देखिए, वन टू ये थ्री, ये स्टैंड। तो अब आप उस प्रैक्टिस को, वॉल वाली प्रैक्टिस को जब कंप्लीट कर चुके, जब आपका बैलेंस बन चुका, देन आप इस किक को अप्लाई कर सकते हैं, यानी डबल किक। पहले डॉज थी, डॉज के बाद आपने पहला अटैक शिन पे करना है। आप ये स्टैंड लेंगे, शिन पे पहला अटैक आ रहा है आपका, ये देखिए, आपने पांव पीछे रखना है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, इसमें भी हील टच हो रही है, आप देखें, ये पीछे रखा, ये दूसरा किक, दोबारा देखें, वन पीछे रखा, टू ये थ्री। तो अब आप देखें इसकी फाइनल पावर और किक की रेंज कितनी है। ये नॉकआउट किक है, नॉकआउट कर देगी फौरन से। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा, आप इस पे वर्क करेंगे, आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।